फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज की वीडियो में हम कैसे जो डायल पैड टून ऑप्शन होता है, उस डायल पैड टून ऑप्शन में कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में। तो इस डायल पैड टून ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, पहले हम मोबाइल सेटिंग को ओपन करेंगे। मोबाइल सेटिंग को ओपन करने के बाद हमको सिंपली साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमको स्क्रॉल करना है। गाइस, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन पर दिखाई देता होगा डायल पैड टून का ऑप्शन। तो गाइस, इसको हमें डिसेबल करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे हमको क्लिक करना है। तो गाइस, सिंपली हमारा डिसेबल हो जाता है। अगर गाइस इसे आपको इनेबल करना है तो इनेबल करने के लिए फिर से आप यहीं पे क्लिक करोगे तो सिंपली हमारा ये इनेबल भी हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से हम इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।